इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से अपडेट आ चुका है। आपके जो एडमिशन यहाँ पर होने हैं 2020-21 के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होना है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ कर दिए गए। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जो है और ज़्यादा जानकारी वेबसाइट से ले सकते हो। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, इसके अलावा दोस्तों कितनी फ़ीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जो चीज़ें यहाँ पर आई है पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो स्टेप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो इन लोगों ने क्लियरली यहाँ पर बोल रखी है, जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं और आप लोग जो है 3 मई तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि 1 महीने का आपके पास टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, एंड यहाँ पर इन लोगों ने पहले ही बता रखा है कि आपके पास फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही रखनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाते हो दोस्तों। हालांकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे ही फिल करना है क्योंकि अभी जो है आप बाहर नहीं जा सकते, फ़िलहाल आप सभी को पता है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, उसके बाद इन लोगों ने फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। EWS के लिए यहाँ पर 550 रुपये, OBC के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखा गया है। SC ST PWD फिजिकल हैंडीकेप के लिए यहाँ पर 275 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों, ये है आपका फ़ीस का क्राइटेरिया आप एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आप लोग कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि दोस्तों, अगर आप ये पेमेंट जमा करवा देते हो यानी कि आप अपना फॉर्म फिल कर देते हो तो उसके बाद आपको जो है, अगर आप फॉर्म को कैंसिल करते हो तो आपको पेमेंट जो है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी जो फ़ीस है वो रिटर्न नहीं की जाएगी। ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी है यहाँ पर। ओके, तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप यहाँ पर MA फिलोसोफी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओके, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है दोस्तों। इसके अलावा और भी इसमें डिटेल दी गई है तो आप लोग यहाँ से इसे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ़िल करना है। इसी पे क्लिक करके अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है दोस्तों, आपके जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, इसमें 2010 से लेके शायद 2019 तक जो है इसमें पेपर दिए गए हैं। मैं आपको जो है यहाँ पर क्लिक करके एक बार बता देता हूँ, जैसे कि इसमें देखिए PhD के है, MPhil के है, MA के है, MSc के है, सारे कोर्सेज़ यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। ये देखिए MA कोर्स के लिए जो भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है उनके सब के यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर फिलोसोफी MA पॉलिटिकल साइंस फिलोसोफी के लिए देखिए यहाँ पर पूरे पेपर दिए गए हैं। अगर आपको फिलोसोफी के और भी पुराने पेपर चाहिए तो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिए ना, कर देना, क्योंकि हमारे जो भैया है वो यहाँ से जो है फ़िलहाल अभी ये कोर्स कर रहे हैं इसलिए उनके पास ये पेपर है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ये पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो पुराने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैक चलते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो आपका फॉर्म है आपको कैसे फ़िल करना है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज़ साफ साफ लिखी गई है कि OBC कैंडिडेट, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और वो अपलोड भी उन्हें करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो बनवाना पड़ेगा या फिर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OBC कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट होता है। अगर नहीं है तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पर शायद फिल नहीं होगा, ये चीज़ मेंशन की है इन लोगों ने। ओके, तो इसके अलावा जैसे कि आपका मोबाइल नंबर वगैरह है, ये जो हम फॉर्म फिल करते हैं ना दोस्तों वही सारी चीज़ें, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा फ़ोटो, सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें है दोस्तों, ठीक है। एंड उसके बाद ये आप लोग पढ़ लेना एंड
फिर जो है आपको इस पर क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हो कि इसमें कोई ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं मांगी जाती है। सबसे पहले आपको जो है अपना नेम यहाँ पर फिल करना है, 10th की जो मार्कशीट होती है उसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम सेंटर लेने हैं, 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आप 3 एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। आपको कोर्स में अप्लाई करना है, यहाँ से आप कोर्स जो है सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। कौन कौन से कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, MSc है, MBA है, MC है एंड MPL PhD तो होते ही है दोस्तों मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपके जो है MA के लिए भी है और MSc के लिए भी है। तो दोस्तों ये सारे इसमें कोर्सेज़ है। एंड इसके अलावा जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर फिल करनी है तो ये नॉर्मल जानकारी है, आप लोग इसे जो है इजीली फिल कर पाएंगे। एंड यहाँ पर फाइनली आपको लास्ट में जो देखिए आपको जो है यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, जनरल वालों के लिए शायद लागू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस तरह से जो है फिल करके यहाँ से फाइनली आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने फाइनली आपको बता दिया है कि दोस्तों कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस है, सब कुछ इसमें दिया गया है। और यहाँ से जो आप इस क्वालिफ़िकेशन वाली जो इसमें लिस्ट दी गई है उसे भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह यहां पर फिल कर देंगे तो आप उसका जो प्रिंट आउट है वो भी आपको यहां पर लेना है। सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। लॉकडाउन होने के बाद भी यहाँ पर जो है कुछ लोग बाइक लेके वगैरह घूम रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वालिफ़िकेशन दिया गया है दोस्तों, किस कोर्स के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि सीटें है कितनी, किस कोर्स में सीटें है, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। ये एक तरह से प्रोस्पेक्ट आप मान सकते हो दोस्तों कि इसमें जो है प्रोस्पेक्ट पूरा का पूरा दिया गया है। जैसे कि हिंदी के लिए आप देख सकते हो कि 45 सीट इसमें दी गई है और आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए कम से कम 40% के साथ। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रोस्पेक्ट में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको कोई भी देखिए डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इसके अलावा व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत होती है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और मैंने जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ दोस्तों, ओके। इस वीडियो में इतना ही।